So guys, it's been 10 years since the Nike Downshifter series has been launched, and since then it's a prominent name between runners, gym and casual wear shoe lovers. Now carrying on with the same lineup, Nike has launched its successor to DS12, which is Downshifter 13. So let's deep down in the video and see if Downshifter 12 is a major upgrade to Downshifter 13 or not. So my name is Romesh Jain and today I will be a reviewer. लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग. तो यहाँ पर सबसे पहले नाइकी ने अपना प्लेन बेसिक बॉक्स जो हमेशा से रिसीव होता है वही इंक्लूड करा है. ये पूरा ऑरेंज कलर के टेंट में उसके ऊपर नाइकी का लोगो है. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो है सारी इन्फॉर्मेशन देके रखी, जैसे साइज, आपका इंपोर्टर इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ मैन्युफैक्चरर बताऊं आपको तो गाइज, ये वाला जो मॉडल है इंडोनेशिया में मेड है और इसको इंपोर्ट किया है बैंगलोर कर्नाटका में इनके इंपोर्टर्स ने. बॉक्स ओपन करने पर यार नाइकी डाउनशिफ्टर 13 फाइनली मेरे हाथ में आ चुके हैं और ये रहा वो शूज. आप लोगों को इस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए. इसका लॉन्च प्राइस था अराउंड 4-95 रुपीस. इसके बॉक्स पे भी यही मेंशन है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे मैंने इसको बाय किया 3500 रुपीस के रेट पे. फर्स्टली डिजाइन तो यहाँ पर बिल्कुल सेम मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर लुक्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. बात करूं यहाँ पर मटेरियल की तो आपको पूरा ही मैश मटेरियल देखने को मिलेगा, ब्लैक वाला पूरा जो पोर्शन है, और उसी के साथ यहाँ पर नाइकी ने थोड़े बहुत यहाँ पर अपग्रेड करके रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाइकी ने यहाँ पर अपने मैश के अंदर होल्स प्रोवाइड करके रखे जिससे कि आपके शूज में ब्रीथेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए. जो आपका फुट है वहां पर आपको पसीने की दिक्कत बिल्कुल भी फेस नहीं होगी. मैं थोड़ा सा क्लोजअप जूम दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे जो है होल्स देके रखे हैं जो कि नीचे वाले पोर्शन पे. अब नाइकी ने यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करके रखे अपने लुक्स में. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नाइकी की थोड़ी बहुत ब्रांडिंग होती थी जस्ट डू फॉर इट नाइकी डाउनशिफ्टर 12 में, लेकिन ये यहाँ पर चीज देखने को नहीं मिली है. यहाँ पर नाइकी ने अपने लोगो दोनों ही हैंड पे अटैच करके रखे हैं. आउटर वाले साइड पे जो है आपको हॉलो पैटर्न देखने को मिलेगा, और जो आपका अंदर वाला साइड रहेगा वहां पर आपको चिपका हुआ एक नाइकी का लोगो देखने को मिलेगा. यहाँ पर लेसेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बैंड्स यूज करके रखे, जो कि आप देख सकते हो कि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है. नाइकी ने अपना एक स्ट्रैप जो है टंग के ऊपर भी देके रखा है. टंग की बात करूं, बहुत फ्लेक्सिबल टंग, आपको बिल्कुल चुभेगी नहीं, और उसी के ऊपर नाइकी डाउनशिफ्टर 13 वाला ब्रांडिंग वाला स्ट्रैप देके रखा है. अब यहाँ पर टंग के पीछे देके रखी है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको आप स्कैन करके नाइकी वेबसाइट पे थ्रो कर देता है. यहाँ पर मैंने मंगवाया था UK 8, वही मेंशनड है, और उसी के नीचे मेंशनड है मेड इन इंडोनेशिया. पहले वियतनाम में बनते थे, लेकिन अभी ये वाला जो मुझे रिसीव हुआ है वो इंडोनेशिया में बन के आया है. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का. जो बैक हील पोर्शन है गाइस, वहां पर एक रेडियम इंक्लूड करके रखा है, जो कि आपकी नाइट रनिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, और ये ड्यूरिंग नाइट रनिंग चमकेगा भी. हील पे जो है कार्डबोर्ड भी यूज करके रखा है, तो पीछे वाले पोर्शन को हार्ड बनाने के लिए. सबसे ज्यादा मेजर चेंज जो देखने को मिला है गाइस, वो है इसका मिडसोल में. मिडसोल यहाँ पर बहुत ही प्लेन देकर रखा है, लेकिन पहले वाले शूज में जो डाउनशिफ्टर 12 थे वहां पर एक वी पैटर्न वाला सोल देखने को मिलता था. यहाँ पर हील हाइट भी जो है थोड़ी कम कर दी है अराउंड 1.5 इंच, और उसी के ऊपर देके रखी एक नाइकी रनिंग की ब्रांडिंग. और यहाँ पर जो मिडसोल है मुझे अच्छा लगा है, ईवीए प्रॉपर सोल देके रखा है, प्रॉपरली जो है प्रेस जाता है, लेकिन ड्यूरिंग आपके रनिंग सेशंस और आप जितने बार इसको वियर करोगे, वियर एंड टियर जो होते हैं बेसिकली शूज में, तो यहाँ पर जो फ्लेक्स करेंगे जब शूज को या फिर आप बहुत सारे रन करोगे, तो जो इसका मिडसोल है वहां पर आपको क्रीजेस देखने को मिलेंगे, जो कि विद टाइम जो है बढ़ते जाएंगे. लेकिन रनिंग के टाइम बहुत सारे शूज में दिक्कत देखने को मिलती ही है. जिसका आउटसोल है गाइस, वो आपको टीपीआर का ही देखने को मिलता है. उसके ऊपर जो है नाइकी का लोगो देके रखा है, और उसकी ग्रिपिंग के मामले में मुझे बहुत ही तगड़ा लगा है. ड्यूरिंग रनिंग बहुत अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करेगा, और आपको रनिंग सेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. अब बहुत बड़ी बात आती है इनसोल एंड वेट. तो यहाँ पर शूज का वेट निकल के आया था 270 ग्राम, और किसी शूज को अगर प्रॉपरली रनिंग में यूज करना है या फिर प्रॉपर रनर्स के लिए बनता है तो वो अंडर 300 ग्राम ही बनता है. तो ये चीज जो यहाँ पर बिल्कुल मेंटेन है, 270 ग्राम का वेट है. मिडसोल की बात करूं, कोई मेमोरी फोम वगैरह अटैच नहीं करके रखा है, या फिर बहुत ज्यादा मोटा इंसोल लेके नहीं रखा है, एक नॉर्मल सा इंसोल है, लेकिन डाउनशिफ्टर 12 के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर इंसोल बढ़ चुका है और थोड़ा मोटा प्रोवाइड होता है. कंफर्ट के मामले में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है आपके रनिंग सेशंस में गाइस. सबसे बेसिकली वही बात आती है कि डाउनशिफ्टर 13 सीरीज आदमी क्यों लेता है, कि मेरा रनिंग सेशंस अच्छा रहा, तो आपकी रनिंग में बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाला है, आपको अच्छा सा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, अच्छी सी ग्रिपिंग प्रोवाइड करेगा. सो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आपके पास डाउनशिफ्टर 12 है वो फट रहा हो या फिर थोड़ा वियर एंड टियर उसमें आ गए हो, तो क्या आपको डाउनशिफ्टर 13 में अपग्रेड करना चाहिए. सी बेसिकली यहाँ पर रनर्स की बात करूं, तो रनर्स के लिए बहुत अच्छा शूज है ये. 5 किलोमीटर तक की रनिंग करोगे आप डेली, इवेंचुअली आप इसको जो है अपने कैजुअल वियर में यूज कर सकते हो. इसी के साथ अगर आप पार्टी से पहनना चाहते हो वहां पहन सकते हो. मल्टीपर्पज शूज है बेसिकली. यहाँ पर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, 3500 रुपए है, 4000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है, लेकिन जब फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह आती है तो वहां पर थोड़े से बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं. और अगर आप बेसिकली कंसिडर कर रहे हो आपके शूज को अपग्रेड करने का, तो आप डेफिनेटली शूज को परचेस कर सकते हो. बहुत अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इस बार नाइकी ने इसको पूरे ही रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया. ऑलमोस्ट 70% जो इसका मटेरियल है वो रिसाइकल्ड है. तो बेसिकली आप इको फ्रेंडली सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो. मैंने बताई दिया 3500 रुपए इसकी प्राइसिंग है, वर्थ अपग्रेड है. डाउनशिफ्टर 13 पे यहाँ पर नाइकी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. इसकी जो बाय लिंक है गाइस, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. आपको नाइकी ऑफिशियल की दी है, और इसी के साथ फ्लिपकार्ट की भी दी है, जहां पर ऑफिशियल सेलर नाइकी है. जेन्युइन शूज आपको रिसीव होंगे, और इसी के साथ 10 डेज की रिटर्न वारंटी वगैरह भी है. मंगवाओ, मजे करो, और इसी के साथ अपने रनिंग सेशंस को और ज्यादा आरामदायक बना दो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.